तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आतीश और आप देख रहे हो टेक्निका। तो आज की इस नई वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं इस बोट रॉकर्स 400 को। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या आपको 1000 रुपये का ये हेडफोन वर्थ करता है कि इसके प्राइस को या नहीं, और हम जानेंगे कि क्या ये सही में इतनी स्टैंड बाई टाइम देता है कि नहीं देता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 8 आवर्स की स्टैंड बाई टाइम, जो कि एक हेडफोन के लिए थोड़ी ज़्यादा है। पर आइए इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है, और मैंने इस वीडियो में अनबॉक्स किया है थोड़ा अलग स्टाइल में, और बेसिकली मैंने बी रोल्स लगाए जो कि मैं नहीं बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस और अनबॉक्सिंग स्टाइल पसंद आए तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू। तो ये रहा बोट का बॉक्स, और बेसिकली अगर इसकी स्पेसिफिक्स पढ़ी जाए तो आपको इसमें 8 घंटे की प्लेबैक मिल जाएगी, 2 घंटे की चार्जिंग टाइम मिल जाएगी, और स्टैंड बाई टाइम आपको 100 घंटे की मिलेगी, जो कि इनफ है। ये रहा बॉक्स का ट्रे में आपको हेडफोन दिख रहा होगा। नीचे आपको वायर दिख रही होंगी दो तरह की, एक वायर है 3.5 to 3.5 mm और एक है आपको माइक्रो यूएसबी टाइप की, जिसे कि आप चार्ज कर सको, और 3.5 mm वाली से आप आराम से वायर्ड कनेक्टिविटी को इन्जॉय कर सको। अभी जो ये हेडफोन है आपको इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन मिल रहा है, जिससे कि आप कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो। ये रहा वारंटी और वारंटी कार्ड जो आपको मिलता है इसकी, और ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे कंपेटिबल है। और तो और जो इसका आप बोलते हो, ईयर कप से बहुत सॉफ्ट है, लेदर की कवरिंग की गई है, और बाकी की रिव्यूज़ मैं आपको ये जो अनबॉक्सिंग खत्म होगी उसके बाद देने वाला हूँ। वीडियो को देखिए। तो हेडफोन है मेरे पास यहाँ पर, मैंने इसे अनबॉक्स कर रखा है, आप देख सकते हो। और सही में इसकी बैटरी वर्थ है, मतलब कि जितना ये बोल रहा है 8 घंटा चलेगा तो शायद चल भी सकती है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ कर रखा है लगभग 4 घंटे के अप्रॉक्स, और 80% मुझे मिला था, अभी 40 या 45% के आसपास है। तो बैटरी सही काम कर रही है। अगर नॉइज प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको इसमें हाई मिड लो टोन सभी पे ठीक बेस मिल जा रहा है। लो टोन पे थोड़ा बेस लैग है, पर 40 mm ड्राइवर और इतने चीप बजट में आपको, इतने टाइट बजट पे आपको ये हेडफोन सबसे बेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिकली सोनी के भी हेडफोन यूज़ कर रखे हैं, मोटोरोला का पल्स 2 और पल्स 3 मैक्स भी यूज़ कर रखा है, तो उनसे तो ये इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। और जितने वायरलेस हेडफोन्स मैंने यूज़ कर रखे उनसे इसकी नॉइज़ प्रोफाइल आप बोलते तो बहुत अच्छी है। अब इसके कुछ अगर कॉन्स के लिया जाए तो कॉन्स में सबसे पहला तो ये ऑन ईयर है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके जो कान है बेसिकली इस एरिया में बिल्कुल दब जाता है, और थोड़ी देर यूज़ करने के बाद आपको बहुत इरिटेशन टाइप की होने लगती है। तो अगर आप एक ओवर ईयर या ओवर हेड लेना चाहते हो हेडफोन, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब या बोलते तो कम्फर्टेबल होगा। पर अगर आप एक नॉइज अच्छी आपको चाहिए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी साउंड मिल जाए, अच्छे ड्राइवर्स मिल जाए, ड्राइवर साइज अच्छी मिल जाए, तो आपको ये हेडफोन लेने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई 40 mm के हेडफोन लगे हुए प्लस इसमें आपको वायरलेस प्लस वायर्ड कनेक्टिविटी दोनों मिलेगी। तो अगर आप 1000 या 1500 रुपये का हेडफोन ले तो आपको उस रेंज में सबसे अच्छा ये बोट का हेडफोन मिलेगा ऐसे, क्योंकि मैंने लगभग सभी हेडफोन चला रखे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कौन सा हेडफोन आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे आप अगर आपके पास कोई आपके सोच में कोई और हेडफोन हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर से जरूर आपको रिप्लाई करूँगा। कई आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो सबसे पहले पसंद आए तो सबसे पहले इसे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट कर देना है कि आपको इस हेडफोन में क्या अच्छा लगा। ये मेरे पास कार्बन ब्लैक वाला है, ऐसे आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है आप जरूर से जरूर बताना। ऐसे बॉक्स पे लिखा हुआ है, शायद इसके बेसिकली 5 कलर्स हैं, ग्रे, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लैक और कार्बन ब्लैक। तो ये मेरे पास कार्बन ब्लैक वाला है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लग रहा है। और तो और अगर आप ये हेडफोन लेने की सोच रहे हो तो ये हेडफोन आपके लिए बेस्ट बाय हो सकता है, क्योंकि ग्रेट इंडियन सेल फिर से आ गया है। तो बस मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस बाय फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल्स और फेसबुक पेज की आईडी और डिस्क्रिप्शन में, सबको आपको सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, आपको बस वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो या आप सीधे हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।